साल 2022 में आई रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र तो आप सभी को याद ही होगा, जिसने सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म को लोगों की तरफ से भरपूर प्यार मिला था और लोग इस फिल्म की वीएफएक्स की जमकर तारीफ भी किया था। आप सभी को तो पता ही है कि ये फिल्म एक ट्रायोलॉजी फिल्म होने वाली है, जिसकी फर्स्ट पार्ट हमें देखने को मिल चुकी है और इस फिल्म की पोस्ट क्रेडिट सीन में ये भी दिखाया गया था कि इस फिल्म की सेकंड पार्ट भी बनने वाली है। तब से लोग इस फिल्म की सेकंड पार्ट को लेकर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 कब तक देखने को मिलेगी और पार्ट 2 में क्या दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 से कई बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुका है, तो सारी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, हाल ही में डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने इस सीरीज की सेकंड पार्ट को भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसका नाम होने वाली है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। जैसा कि हमें इस सीरीज की फर्स्ट पार्ट में शिवा की कहानी को दिखाया गया था, शिवा कौन है और कहां से उसके पास अग्नि अस्त्र आया था, ये सब कुछ हमें फर्स्ट पार्ट में देखने को मिला। वहीं अब सेकंड पार्ट में इस सीरीज की मेन विलेन देव की अराउंड घूमने वाली है कि कैसे उसके पास इतनी सारी शक्ति आई और क्यों वो ये सब कर रही है। ये सब पार्ट 2 में देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एक काफी बड़ी लेवल की फिल्म होने वाली है, जो कि पिछले पार्ट से भी और भी बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसके लिए हमें पार्ट 2 में और भी खतरनाक विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेगी। डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने यह भी कहा कि पार्ट 2 देखने के लिए आप सभी को फर्स्ट पार्ट जितना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए जहां हम सभी को 11 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था, तो वही अब सेकंड पार्ट हमें 2 साल के अंदर ही देखने को मिलेगी। यानी कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 हमें 2025 में ही देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट तो फाइनल हो चुका है और पार्ट 1 की एंडिंग में हमें दीपिका पादुकोण भी दिखाई दिया था, तब तो पार्ट 2 में दीपिका पादुकोण भी फाइनल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि पार्ट 2 में देव की रोल कौन निभाने वाली है, और इस सवाल को मेकर्स भी सभी से छिपा कर रखा है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी सरप्राइज है फैंस के लिए। लेकिन देव की रोल को लेकर जिन एक्टर के नाम सामने आ रही है, तो वो है ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह, और हमें नहीं लगता कि ये रोल ऋतिक रोशन निभाने वाली है, क्योंकि 2025 में ऋतिक रोशन की क्रिश 4 आने वाली है, तब तो इस रोल को लेकर रणवीर सिंह ही फाइनल हो जाता है। और दूसरी बात, इस फिल्म में अमृता की किरदार दीपिका पादुकोण निभाने वाली है, इसीलिए रणवीर सिंह देव की रोल को लेकर 100% फाइनल हो चुका है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।